लोगों को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ 50 बार ऐसे इरप्शन हो चुका है, लेकिन ये जो था सेकंडों में सब मर गए। मतलब जो जो पोजीशन में था वही वो पोजीशन में रह गया, मेरे पीछे सारी डेड बॉडी रखी। मैं जो पोजीशन में मरे वैसी वैसी पड़े हैं अभी तक। देखिए एक बच्चा यहाँ पे पड़ा है, जहाँ तक आपकी नज़र जाए पूरा शहर तबाह हो गया था। जो एटॉमिक बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पे, उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा पावर था इसमें। इतना फास्ट इस सब कुछ हुआ कि किसी को कोई आइडिया नहीं। ज़रा बस एक बार आप वो याद करिए यार, क्या हाल हुआ होगा। वो सामने है माउंट वेसुवियस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई कंट्री से, इटली से। तो यार इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक जगह है, बहुत ही मतलब अलग जगह है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा डिज़ास्टर हुआ था, ऐसा ख़तरनाक वाकया हुआ था, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, कि पूरी पॉपुलेशन मर गई थी। तो शायद आप लोगों को ये जगह के बारे में मालूम होगा, आप लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये जगह के बारे में सुने ही होंगे। तो मैं इस वक्त हूँ द लॉस्ट सिटी ऑफ पोम्पोई में, जो कि पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी 79 AD में। आज से तकरीबन 1950 साल पहले पूरा का पूरा शहर मर गया था। मतलब जो लोग जो काम कर रहे थे वही करते मेरे, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को खिला रही थी, खिलाते मतलब उनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, और कोई पैसा देते मर गया, कोई दुकान पे जा रहा है, कोई चल रहा है, तो मतलब पूरे लोग वैसे की वैसी जल गए। इतना फास्ट इंसिडेंट हुआ, इतना ख़राब हुआ। यहाँ का एक वॉल्केनो है तो वो फटा और 150 किलोमीटर की स्पीड से लावा निकला, और इतना सारा उसमें से ऐश निकली कि 20 फीट ज़मीन नीचे दब गई। तो इतना ख़राब इंसिडेंट यहाँ हुआ था, इसलिए स्पेशली इधर आया इटली में। सबसे पहले मैं नेपल्स आया, क्योंकि यहाँ से पोम्पोई जहाँ इस वक्त हूँ वो बहुत नज़दीक में, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। आप लोग कभी ना कभी इसके बारे में देखे रहोगे वीडियो या फिर इसके बारे में सुने रहोगे, लेकिन मैं आज आप लोगों को पूरा डायरेक्ट लेके जाऊंगा, पूरा सामने सामने दिखाऊंगा कि जैसी बॉडी जो है वो वैसी मौजूद है, और जो भी सारी चीज़ें होगी, जो माउंटेन फटा था, जैसे उनके घर थे, जैसे वो जले थे, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ अपने हॉस्टल में, और यहाँ भी मतलब हॉस्टल में आप लोगों को उसकी थोड़ी सी झलक देखने मिल जाएगी। जैसे कि ये देख सकते हो, यहाँ बना हुआ है कि वोल्केनो कैसे फटा था। मतलब इतना खतरनाक वोल्केनो इरप्शन था कि वो ऐसा जले, इतना फास्ट जले कि उनको आइडिया नहीं, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई वो मरने वाले, किसी को आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो यार मेरे हॉस्टल से वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, मैं वॉकिंग करते करते जाऊँगा, और वहाँ की कुछ टिकट है 16 यूरो, और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ, मतलब कैसे हुआ क्या, और सारी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताना है। वहीं चल के आपको वो लाइव दिखाता हूँ और लाइव बताता हूँ। तो निकलते हैं हम हमारे हॉस्टल से। तो यार निकल गया अपने हॉस्टल से, तो सबसे पहले थोड़ा सा भाई ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, और ब्रेकफास्ट करते करते भी आप लोगों को थोड़ी कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो देख सकते हो ये है पोम्पोई शहर का मेन स्क्वायर, आप इसको बोल सकते हो, एक बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है, और यहाँ पर आपको हर जगह पिज़्ज़ा, पास्ता और जिलेटो, जो यहाँ की बहुत फेमस आइसक्रीम है, और कैफ़े आपको हर जगह देखने मिलेंगे। तो यार मैं यहाँ रात में कल आया था यहाँ पर एक जगह कॉफ़ी पीने और क्रोसां खाने, तो काफ़ी अच्छा था। तो पहले वहाँ खाते हैं, आप लोगों को खाते खाते भी कुछ थोड़ी चीज़ें बताता हूँ, फिर हम निकलेंगे हमारे सफ़र पे, आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, आप लोग शॉक हो जाओगे कम्प्लीटली। तो यार अब आप लोग बोलेंगे कि भाई जिसकी बॉडी जैसी थी, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को खिला रही और एक आदमी पैसा दे रहा है, वो वैसी बॉडी उनकी कैसी प्रिजर्व है अभी तक, मतलब वो अभी तक टूटी कैसी नहीं, वो बॉडी वैसी की वैसी कैसे है। तो भाई मैं आपको बताया, जैसे कि 20 फीट तक राख हो गई थी, पूरा एशेस 20 फीट ऊपर तक हो गया, तो वो सारे अंदर बॉडी उनकी दब गई थी। और 1750 में, आज से तकरीबन 250 साल पहले, जो यहाँ के एक राजा थे, उनके लिए वहाँ एक महल बना रहे थे। तब तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम था कि यहाँ हुआ क्या है, मतलब समझ लीजिए 1700-1800 साल तक किसी को भी नहीं मालूम था कि ये शहर में हुआ क्या है। तो राजा के जब महल खोद रहे थे, जब डिगिंग चालू थी, तो वहाँ धीरे धीरे ना अजीब अजीब चीज़ें निकलना चालू हुई, मतलब किसी की बॉडी, कुछ सामान, तब उन लोगों को मालूम पड़ा कि भाई यहाँ एक शहर था। तो जब अच्छे से डिगिंग सारी चालू हुई, तो जैसे ही जब खोद रहे थे, तो पूरा बॉडी गिर जा रही थी, क्योंकि सिर्फ हड्डी बची थी, और जो गैप बचा था जहाँ बॉडी थी, तो सारा पिघल गया था, डिकम्पोज हो गया था, सिर्फ हड्डियाँ बची थी। तो जैसे ही उस पर खोदते, तो सारा का सारा पूरा ऐसा गिर जाता था। उसके बाद क्या किया, वो जो हड्डी बची थी उसके अंदर लोग कुछ प्लास्टर डालने लगे, ताकि बॉडी वैसी की वैसी प्रिजर्व हो जाए। तो ऐसे सारी बॉडी प्रिजर्व है। तो अभी मैं चल के आप लोगों को दिखाता हूँ, और ये मेरी आ गई है कॉफ़ी, और ये मेरा कोसा, ग्रासियास। और चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग शॉक हो जाओगे कि भाई ये ऐसे कैसे हुआ। और इतनी फास्ट हीट वेव आई कि आदमी जल गया, जैसे एटॉमिक वो न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है ना, कि आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता। इतनी पहले मतलब बॉम्ब फूटने से पहले एक ऐसी हीट की लेयर आती कि पूरी चमड़ी उतर जाए, कि पूरा गोश्त निकल जाए, ऐसा हाल हुआ। उसके बाद लावा निकला 150 किलोमीटर की स्पीड से, आप किसी को लोगों को समझ में नहीं आया। तो यार मैं अभी पूरा नहीं बता देता हूँ, चलता हूँ आप लोगों को दिखाते दिखाते सारी चीज़ बताऊँगा, पहले थोड़ा सा खा लेता हूँ। तो
मिलते हैं आपसे। तो यार ये रही एंट्रेंस पोम्पोई रुइंस की, यहाँ से जाने का है और देखते हैं सारी टिकट कैसा क्या है। मैं टिकट विकट सारी निकाल के अंदर जाता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। देखिए अब थोड़ी सी झलक उसकी देख सकते हो, तो चलते हैं पहले टिकट निकालते हैं और फिर बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए हमारी एंट्री हो गई, वो गेट देख रहे हो वहीं से एंट्री हुई और इसकी टिकट मिली है मुझे 16 यूरो की। यूरो छोड़ो, मेरा अकाउंट से जो मैं कार्ड यूज़ किया हूँ अकाउंट से कटा है 1280 रुपये। तो 1280 रुपये टिकट है और घुसते साथ भाई सबसे पहले मुझे दिखा ये एम्फी थिएटर जो कि भाई 2000 साल पुराना है पोम्पोई का। तो अंदर चलते सबसे पहले ये दिखाता हूँ, फिर बाकी की आगे चीज़ें जो हैं वो आगे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं अंदर। तो यार अब हम आ गए हैं एक रोमन एम्पी थिएटर में, आप देख सकते हो मेरे पीछे, और ये पोम्पोई का एम्पी थिएटर था। और बेसिकली जो रोमन सिटीज होती थी पहले के टाइम पे, वो हर सिटी में एक ऐसा थिएटर होता ही होता था, क्योंकि यहाँ सारे सोशल इवेंट और फाइटिंग वाइटिंग आप लोगों को मालूम ही होगा, आप अगर मूवीज़ देख रहे हो हॉलीवुड की, तो ऐसे राउंड से एक वो एम्पी थिएटर रहता था, सारे लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे, फिर मेन जगह पे राजा जो यहाँ का रहता है वो बैठे रहता है, फिर सारी फाइट होती है, लोग जब तक लड़ते हैं तब तक कोई मरे नहीं। तो ये थिएटर था। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, जो पोम्पोई की पॉपुलेशन थी वो 20,000 थी और ये जो थिएटर है ये उससे ज़्यादा कैपेसिटी रखता था, मतलब एक बार में पूरी की पूरी सिटी यहाँ बैठ के वो शो देख सकती थी। और जो स्टार्टिंग की आप सीट देख रहे हो, जो स्टार्टिंग का आप सेक्शन देख रहे हो, इसमें सारे बड़े लोग बैठते थे जो यहाँ के लीडर होते थे, राजा और उनकी फैमिलीज बैठती थी। और जो पीछे वाला पार्ट देख रहे हो और जो ऊपर वाला पार्ट था और भी थोड़ा ऊपर था, उसमें सारे जो नॉर्मल लोग रहते थे, स्लेव्स रहते थे, उन लोग सारे लोग रहते थे। तो यार देख सकते हो 2000 साल पहले ये तबाह हो गया था, फिर ये नीचे खोद के निकाले, पूरा अंदर घुस गया था। ये देखिए सोच सकते हो इधर से एक वहाँ से वो निकल रहा है, जो फाइटर होते हैं ना वहाँ से ऐसे निकल रहे हैं चिल्लाते हुए, और यहाँ ये इधर लड़ाई हो रही है जब तक कोई मरे नहीं भाई, यहाँ लड़ाई होती थी, यही इसमें एक दूसरे को मार डालते थे भाई। और क्या ही बताऊँ, बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। तो चलिए और दूसरी जगह एक्सप्लोर करते हैं, यहीं दिखाते रह जाऊँगा नहीं तो आप लोगों को। तो यार एम्फी थिएटर से निकल गए, लोगों को एक और चीज़ बता दूँ मैं कि ये जो सिटी थी, ये रोमन जो थे एलीट रोमन बहुत ऊँचे लोग, उनके लिए एक ये भाई लग्जरी स्पॉट था और वो ट्रेडिंग यहाँ से करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो है समुंदर है तो यहाँ से ट्रेडिंग बहुत होती थी। तो यार ये देखिए पोम्पोई गांव में हमारी एंट्री हो रही है। यार एक टाइम पे कितना ज़्यादा बड़ा फेमस और कितना लग्जरी स्पॉट था, आज हाल देखिए भाई, छत तक नहीं बची। छत क्यों नहीं बची मैं आप लोगों को थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। ये देखिए भाई, ये शायद सिटी गेट है, ये देखिए। तो यार आप लोगों को बता देता हूँ भाई, इसकी छत क्यों नहीं है, क्योंकि भाई सबसे पहले जब लावा फटा इतना, मतलब मिलियन मिलियन टन से हर मिनट पे लावा निकल रहा था, 20 फीट आपको बता रहा हूँ कि राख से ढक गया था पूरा शहर, ये सब पूरा गायब हो गया था। 1700 साल तक किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पे कुछ है। तो सबसे पहले जब लावा फटा तो छत पे आगे गिरेगा ना, तो सारी छत तुरंत तबाह हो गई। वो लावा जहाँ फटा, जो पहाड़ है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यार उनके घर के अंदर का सीन पूरा, ये देखिए ये सारे कुछ ऐसे घर होते थे। ये देखिए ये कुछ पार्ट होगा ये घर का, और इसके अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो सारी दीवारें और अंदर का हिस्सा। छत किसी की नहीं बची क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हुई थी उसकी लावा की आसमान से, देखिए। तो यार देखते हैं अंदर और क्या क्या देखने मिलता है। तो यार मुझे एक घर खुला मिला तो मैं अंदर घुस गया, ऐसे किसी के घर में जाना नहीं चाहिए, लेकिन यार मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, लोग यहाँ खाना बना रहे रहेंगे या कोई बच्ची माँ को खिला रही, मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा दूँगा। और यहीं ऐसे जल के मरे कि क्या हाल, देख सकते हो उनके घरों का ईंटा पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ पिलर है जिसको अभी पकड़ के, मतलब उससे रखे हैं ताकि गिरे ना। और घर के अंदर का हाल देखिए भाई, एक टाइम पर बहुत फेमस और बहुत बड़ी जगह थी, लोग यहाँ मतलब घूमने आते थे, याशी करने आते थे, बट आज देखिए सारी जगह आप लोगों को दिखाने वाला, सारी डेड बॉडी भी दिखाने वाला हूँ। तो भाई अगर आप आओगे तो ये मैप ज़रूर लेके आना, इससे सारा आइडिया पड़ जाएगा आपको कि कहाँ जाना है, आपके होटल हॉस्टल कहीं भी मिल जाएगा ये, तो ये देख देख के सारा घूमना, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी सिटी है भाई, पूरा शहर ये, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। तो आपको चलने के लिए तैयार हो जाना और एक ये मैप ज़रूर ले लेना भाई, इससे देख देख के सारी चीज़ें लिखी हुई है, कि जैसे देखिए यहाँ लिखा है 8 नंबर, तो यहाँ 8 नंबर जो सेक्शन है उसमें ढूंढ के कहाँ जाना है कैसे जाना है, तो सारा चीज़ें ध्यान से देख लेना। यार आप यहाँ चलोगे तो आपको एक पुराने टाइम का आइडिया हो जाएगा, देख सकते हो कि यहाँ कैसे यहाँ पूरी मार्केट सजी होती होगी, यहाँ लोग कैसे घूमते रहते रहेंगे, लेकिन आज हाल देखिए ऐसा हो गया है कि मतलब क्या ही बताऊँ। और यहाँ का ये जो सिस्टम है कितना ही अच्छा, रोड बना के रखे थे कि आज 2000 साल तबाह होने के बाद भी अभी तक वैसे ही है। और ये कांच में क्या रखा हुआ है, कुछ तो उसको वो किए हैं,
देखिए यार, मतलब शहर पूरा कितना ज्यादा अच्छा बना के रखे थे 2007 तबाह होने के बाद भी दीवार इसकी आज तक खड़ी हुई है। वो जो आप सारी छत देख रहे हो उस तरफ, वो उस बाद में डाली गई है, वो अभी की नहीं है। ये शायद कुछ पानी वानी आने का, देखिए वहाँ पानी जाने का रास्ता है, तो मतलब ये कुछ वाटर से रिलेटेड चीज़ है। तो यार जिस जगह मैं मौजूद हूँ अभी, ये एक बहुत ही अमीर जो पोम्पोई का आदमी था, एक बहुत ही ज़्यादा रिच आदमी, उसका घर है। मतलब ये जो घर की आप सारे डिज़ाइन और ये सारी देख रहे हो, मैं आप लोगों को अभी अच्छे से दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ पहले, ये जब फटा लावा उससे कुछ साल पहले सारा पूरा कंस्ट्रक्शन कराया था, बहुत ही अच्छा बनाया था। मतलब 79 AD में जब फटा उससे तकरीबन कुछ ही साल पहले पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ही अच्छा घर बनाया था। सारी डिज़ाइनें और इजिप्ट की सारी जो डिज़ाइनें होती थी उससे इंस्पायर होकर अपना पूरे घर में डिज़ाइन बनाया था। इतना इतना मतलब वाइब्रेंट था, इतने सारे कलर्स थे, लेकिन भाई उसको क्या मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, मतलब ज़मीन के अंदर दब गया था, अभी इसको निकाले हैं। और ये सब आप कलर देख सकते हो, रेड रेड जो क्या इसमें सारी क्या क्या डिज़ाइन बनी होगी आप देख सकते हो। देखिए ये सारा कुछ बीच का गार्डन होता है, और ये पूरा मेन हॉल, वहाँ पर एक रूम है जहाँ बिजनेस की बात करते थे, वहाँ रहने वाला रूम है, कुछ घूम मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, मतलब दीवार देखिए भाई, मैं आप लोगों को एक जगह दिखाता हूँ आगे, यहाँ तो सारी डिज़ाइन सारी बनी हुई है। और फ्लोर देखिए भाई, तो यार ये देखिए सामने पूरी पेंटिंग वैसी की वैसी बनी हुई है, कितने हज़ारों साल और कितने सौ साल ज़मीन में रहने के बाद भी वैसी है। और ये सारा कुछ शायद मुझे कुछ किचन जैसा लग रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे कुछ पब्लिक नल हुआ करते थे। और रोड सिस्टम देखिए कितना अच्छा है यार, मतलब ये रोड आज भी वैसी है, हमारे रोड जल्दी टूट जाते हैं, ये अभी तक वैसी हैं सारे। इतना बड़ा महल बना रहा था और सारी डेकोरेशन सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन उसको क्या मालूम था कि ऐसी कुछ चीज़ होने वाली कि सब मर जाएंगे, पूरा तबाह हो जाएगा। और इधर देखिए भाई, ये देखिए उनके पुराने बर्तन जो एक्सकवेशन करके निकाले हैं खोद के। ये देखिए भाई, ये कुछ पानी का वो मुझे लग रहा है मटका जैसा। और ये देखिए भाई, 2000 साल पुराना काट। तो यार इनकी सिटी प्लानिंग, ये सारे पिलर्स देखिए भाई, ये ज़मीन में दबने के बाद भी आज तक वैसे ही हैं यार, खड़े कड़क एकदम। यार अब मैं आप लोगों को सबसे मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो सारी डेड बॉडीज़ जो वही कंडीशन में वही पोजीशन में है, जो पोजीशन में वो काम कर रहे थे 2000 साल पहले मरे थे, वो वैसी पोजीशन में थे, उनको प्लस्तर करके रखा गया, उसके अंदर उनकी ओरिजिनल बोन्स है, उनकी ओरिजिनल हड्डी है। यार तो चलते हैं, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, क्योंकि यार ये शहर बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, घर है देखने के लिए। जहाँ घुसो एकदम बहुत ही अच्छी लेन सी है, देख सकते हो आप, मतलब इनकी जो सिटी प्लानिंग थी, जो शहर बनाए थे बहुत अच्छा था। नीचे पूरा बारिश का पानी जमा होता है इसके, और वो फिर बाद में यूज़ करते हैं, मतलब बहुत, मतलब 2000 साल के हिसाब से बहुत एडवांस थे लोग, बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे। और देखिए आपको ये ऐसी साइन हर जगह देखने मिलेगी, और इसका मतलब ये होता है कि डेड बॉडी इस तरफ रखी है, तीन जगह ऐसी रखी हुई है। और देखिए मेडिकल, खाना, वॉशरूम और धूम्रपान, सारा ऐसा बने रहता है हर जगह। तो यार मेरे पीछे ये जो सारी बॉडीज़ है, मतलब कोई सो रहा है, सोई सोती हुई पोजीशन में सब, मतलब ऑलमोस्ट जब धमाका हुआ वो टाइम था 24 अगस्त 79 AD, आज से 1950 साल पहले। आप सुने हो जो एटॉमिक बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पे, उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा पावर था इसमें, मतलब जो अंदर से उसके लावा निकल रहा था वो 15,00,000 टन हर सेकंड निकल रहा था, 15,00,000 टन, आप समझ सकते हो, जो आसमान ऊपर तकरीबन 23 किलोमीटर ऊपर तक पूरा बादल हो गया था, मतलब एक मशरूम जैसा बादल होता है ना, वैसा हो गया था। क्योंकि यहाँ 50 बार ऐसे इरप्शन हो चुका है, लेकिन ये जो था लोगों को आइडिया नहीं था, सेकंडों में सब मर गए, मतलब जो जो पोजीशन में था वही वो पोजीशन में रह गया। मेरे पीछे सारी डेड बॉडी रखी, मैं आप लोगों को अब भी दिखाता हूँ, मतलब सारी बॉडी बच्चे, ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब जो टाइम पे पॉपुलेशन थी आप लोगों को बताया 20,000 थी, उसमें से सिर्फ 1500 लोगों का रिमेन्स बचा है, बाकी तो सब डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, ये सारी ज़मीनों में अंदर दफन हो गए होंगे, लेकिन 1500 लोग का रुइन है, उसमें से कुछ यहाँ रखा हुआ है, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। उसमें से ज़्यादातर बच्चे हैं, और 1 बजे के टाइम पे रहेगा, लोग वो टाइम पे थोड़ा रेस्ट कर रहेंगे। ये देखिए ये कुछ बच्चे, देखो इसका तो सर भी दिख रहा है यहाँ से, कोई बच्चा सो रहा था, कोई क्या कर रहे थे। ये देखिए सारी बॉडीज, क्या बताऊँ आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो पोजीशन में मरे वैसी वैसी पड़े हैं अभी तक, मतलब बैठा हुआ है वैसा, ये कोई लेटा हुआ है, मतलब इसमें से कोई पोजीशन स्टैंडिंग है, कोई सिटिंग है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए भाई, और इसमें से कितने सारे बच्चे हैं, ये देखिए दोपहर के 1 बजे हुआ, मतलब लोग कोई रेस्ट कर रहेगा, कोई सो रहेंगे, और
ये देखिए भाई, ये देखिए यहाँ, ये इस तरफ देखिए बच्चे हैं सारे। ये देखिए एक बच्चा यहाँ पे पड़ा है, तो किसी को कोई आइडिया नहीं पड़ा। मुझे सबसे एक दो साल का बच्चा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। किसी को कोई आइडिया नहीं कि क्या होने वाला। देखिए उसका स्कल तो थोड़ा सा फट गया था ये वाले का, ये देखिए। तो इनको क्या आइडिया था, ये सब रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, कोई काम से आया था। बच्चे तो अपना, बच्चे को तो कोई आइडिया नहीं होगा। देखिए ये पोजीशन पूरा बच्चे की सोते हुए, ये देखिए ये वाली, वो देखिए और एक आगे छोटा बच्चा है। तो सारी पोजीशन आप देख सकते हो कैसा हाल हुआ यार। आज से 250 साल पहले जब लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ 1700 साल पहले ऐसा ऐसा सीन हुआ है, जब वो खोदना चालू किए, जैसे ही उस पर खोद रहे तो वो गिर जा रहा है, क्योंकि जहाँ बॉडी दफन थी तो वो स्पेसिफिक एरिया बच गया था, वो दबा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर सारा गोश और सारी चीज़ें थी। वो धीरे धीरे वक्त के साथ डिकम्पोज हो गया, तो खाली हड्डियाँ बची, लेकिन वो जो स्पेस थी वो वैसे ही थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या किए, उसके अंदर कुछ प्लास्टर डाले और ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिए जिससे कि पूरे वही सेम पोजीशन, जो पोजीशन में थे वही पोजीशन रहे। तो देखिए भाई सारी डेड बॉडीज़ वहाँ रखी थी जो मैं आपको दिखाया, और भी एक जगह रखी हुई है। लेकिन यहाँ का माहौल देखिए भाई, कितना शांत और कितना, मतलब एक बार वो टाइम याद करिए भाई, क्या हाल हुआ होगा। एकदम एग्जैक्ट यही टाइम था दिन का, ये देखिए सारा कुछ हाल, मतलब इतना अजीब लगता है यहाँ पे कि आपको मैं क्या बताऊँ। मतलब कैसे हुआ था, सारी चीज़ें हुई, फटा, लोग मरे, किसी को कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है, क्या क्या मंजर होगा। आप ज़रा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग चलाइए, वो टाइम पे जाने की कोशिश करिए भाई। शायद वही वो माउंटेन देख रहे हो, वहीं से फटा है। ये देखिए सामने जो है, ये सामने जो पहाड़ है, आप लोगों को शायद क्लियर दिख रहा नहीं होगा क्योंकि पूरे बादल हैं। तो यार यहाँ पर सिर्फ इंसान नहीं, यहाँ पर जानवर भी तो मरे रहेंगे ना भाई। तो उसमें से एक देख सकते हो भाई, ये एक घोड़े का स्कल है जो कि खुदाई के टाइम मिला। ये देखिए भाई ओरिजिनल है भाई, यहाँ ये 2000 साल पुराना घोड़े का स्कल, जो भी जो उसमें शिकार हो गया था इरप्शन में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, मतलब देखने निकलोगे तो बहुत सारी चीज़ मिलेगी। तो यार अब मैं आ गया थोड़ा ऊपर वाले पार्ट पे, मतलब यहाँ से पूरा आप गाँव देख सकते हो, जो पूरा तबाह हुआ था, पंपोइस शहर जो तबाह हुआ था, यहाँ से पूरा क्या अच्छा व्यू मिल रहा है। ये देखिए भाई पूरा कहाँ से लेके पूरा आप देख रहे हो, जहाँ तक आपकी नज़र जाए, इस तरफ चाहे इस तरफ, पूरे देखिए। और यहाँ जो माउंटेन फटा था वो उस तरफ है, ये वाला है, ये वाला देखिए। लेकिन यहाँ और भी माउंटेन्स है बड़े बड़े, लेकिन जो फटा था वो इस तरफ है। और ये व्यू देखिए भाई, जहाँ तक आपकी नज़र जाए पूरा शहर तबाह हो गया था। मतलब देखिए इस तरफ तो देख लिए पूरा, और इस तरफ भी है पूरा, सब कुछ एकदम से वो हो गया था। ये देखिए, तो यार मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हो, माउंट विसुवियस, यही माउंटेन है जहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जो फटा था, यही वाला पहाड़ है आप मेरे पीछे देख सकते हो। इसके और आगे जा नहीं सकते, यहाँ जाली लगी हुई है। ये देखिए भाई ये पहाड़ है जहाँ से फटा, और सोच सकते हो भाई ये सारा जो रूट देख रहे हो यहाँ से पूरा बह के गया होएगा, पूरा उड़ा होगा। ये सब स्टार्टिंग घर है, यहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। देखिए पूरी दीवार भी यहाँ की तो नहीं बची है, पूरी नीचे से उतरा होगा। ये थोड़ा स्लोप एरिया है, पूरा लावा लावा हो गया होगा, तो क्या हाल होगा। देखिए यहाँ का घर पूरा ज़्यादा तबाह, ज़्यादा ज़्यादा बर्बाद जो हुआ है वो स्टार्टिंग का घर हुआ है देखिए। और जो आगे का घर है वो थोड़ा 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 ठीक है, लेकिन यहाँ का जो घर है भाई, और ये है जो इतनी तबाही मचाया भाई। ये देखिए यार, सोच सकते हो क्या फटा होगा। और पूरा आप समझिए ये तकरीबन 20-22 किलोमीटर ऊपर आसमान के उड़ा था, पूरा फट के कितना बड़ा हो गया होगा। और जो बादल था, मशरूम जैसे बादल बन गए थे, जैसे ये पेड़ है ना वैसा कुछ बादल बन गया था, और पूरा अंधेरा हो गया था। और ये सारे कुछ घर है जो पहले तबाह हुए थे, ये देखिए भाई अभी भी, फिर भी लेकिन सोचिए इतना अच्छा लोगों करके रखते थे। अभी भी देखिए थोड़ा थोड़ा लाल लाल कलर, और ये बाकी सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी भी बाकी है, जबकि ये स्टार्टिंग घर है, ये सबसे पहले तबाह हुए थे। और मैं आप लोगों को और थोड़ा सा दिखाता हूँ आगे, ये देखिए, ये तो मैं आप लोगों को दिखाया भी हूँ, ये जो पानी वाला है, ये सारा इतना सारा अच्छा सिस्टम रखते थे कि भाई ये पब्लिक वाटर सिस्टम भी, यहाँ से आप पानी पी सकते हो। ये नल वो टाइम का नहीं है, लेकिन ये जो है ये वो टाइम का है, ये देखिए। और सोचिए ये सब स्टार्टिंग के पहले के घर हैं जो पहले तबाह हुए थे, फिर भी आज तक पेंटिंग देखिए, कलर देखिए यार, कलर देखिए अभी तक इधर के वो ऐसी हैं सारी डिज़ाइन घर। ये देखिए भाई ऐसे कुछ डिज़ाइन हुआ करते थे घरों में,
वो देखिए सब, और ये रहा माउंट वेसुवियस। ये कुछ है मेन स्क्वायर जैसा, जैसा हर सिटी में अभी भी होता है वैसा कुछ, खुली सी जगह है और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर होंगे वो टाइम के। देखिए अभी तो कुछ भी नहीं बचा है। देखिए ये ज़मीन देखिए यार, वो राख से आज तक काली है। और ये देखिए एक स्टैचू बना हुआ है मेन स्क्वायर पे एकदम, अभी तक मतलब आधा इसका नीचे का देख सकते हैं, नाचे वो सब टूट गया है, इसकी मुंडी आदि गायब है। पूरा जहाँ तक देखो पूरा ज़मीन काली है। वो सामने है माउंट वेसुवियस। तो यार पिछले आधे घंटे से मैं यहीं बैठा हूँ और मुझे यहाँ है लगभग 5-6 घंटा हो गया तब से मैं घूम रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को क्या क्या दिखाऊँ। मेरे पीछे देख सकते हो माउंट वेसुवियस, जो कि अभी क्लियर दिख रहा है, जब पहले दिखाया था तो इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ तक जाऊँ क्योंकि बहुत दूर पे है। 6 घंटे से कंटिन्यू वॉक कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाया और बहुत सारी चीज़ें और है दिखाने के लिए, लेकिन मैं अगर दिखाने लगा तो घंटा होकर ऊपर चले जाएगा। और जैसे डेड बॉडीज़ वहाँ रखी हुई थी, वैसे 3 जगह रखी हुई है। और ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ बैठ के आराम, थोड़ा सा चीज़ें देख रहा हूँ। जहाँ देखो भाई वहाँ पे मतलब सिस्टम देखिए यार। तो यार मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा।